तो वहीं इस घटना के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। ओवैसी ने जहां सरकार और व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं मनोज तिवारी ने इस घटना को दुखद बताया। तरस का जो वाकया है बड़ा तकलीफ दे बात है, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सकता, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुँचाई जाएगी। और सभा हो रही थी आध्यात्मिक, जिसमें भगदड़ होने से कुछ बहुत लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री जी ने अचानक बोलते हुए ही उनको सूचना आई और उन्होंने संवेदना व्यक्त की और घायलों को यथाशीघ्र सहायता पहुंचाने के लिए सरकार जो कर रही है उसकी जानकारियां दी। सवाल ये भी है कि आज बहुत दुखद है। और अब आपको ये बता देते हैं कि हादसे के वक्त घटनास्थल पर मौजूद लोगों के साथ पीड़ितों ने क्या दावा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे यह हादसा हुआ है। पीड़ितों का कहना है कि सत्संग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का दावा है कि कथावाचक का काफिला जा रहा था, काफिला जाने के लिए भीड़ को रोका गया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। वहीं दावा तो ये भी किया जा रहा है कि हादसे के बाद भी 90 मिनट अधिकारी नहीं पहुंचे। वहीं दावा ये भी है कि अस्पताल में सिर्फ एक ही डॉक्टर था और अस्पताल में ऑक्सीजन के इंतजाम तक नहीं थे। हालांकि इन सब दावों पर जिला अधिकारी का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें पुष्टि हुई है। देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं को वहां से। 100 से ज्यादा मौतों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस त्रासदी का जिम्मेदार। पीड़ित और समय उस वक्त भगदड़ शुरू हुई जब 50,000 से ज्यादा लोगों का आशीर्वाद। कि इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। हाथरस में बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सिकंदरा राव थाना इलाके के गांव फुलराई में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। नारायण आकार हरी जो के नाम उनका, तभी अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हादसे में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो है लगातार लोग बेहोश हो गए और उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये यहाँ CSC है और CSC सिकंदरा हुआ है। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है, जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और प्रशासन के अधिकारी पहुँचे हैं। सत्संग में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया, सत्संग खत्म होने के बाद वापस जाने लगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तंग था, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई और फिर भगदड़ मच गई। हम सत्संग में गए थे, विशाल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म किया, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी, रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी लिख रही थी। तो अचानक ही धक्का हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी चितर गए, उनकी तो मौत हो गई, मेरे साथ आई थी। हादसे के बाद एक तरफ चीख पुकार मच गई, लोगों को समझ ही नहीं आया अचानक क्या हो गया। सत्संग के भगदड़ में हुई मौतों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। समापन के बाद मैं भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था?
कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा? भैया नीचे दब गए, बहुत पवन लगा, ऊपर जाके निकल गई। मोए का संग भीड़ आई है सुबह में। बाबा का सत्संग चल रहा था। मैं फिर क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि सत्संग में भगदड़ से लोगों की मौत हुई है। सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मंगलगढ़ी गांव है, वहां पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से थोड़ा लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। वहीं हाथरस के डीएम का कहना है कि एसडीएम के जरिए इस आयोजन की इजाजत दी गई थी। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। सीएम योगी के निर्देश पर 2 मंत्री भी हाथरस पहुंचे हैं। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी भी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, जो हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। पंडाल में भगदड़ प्रवचन खत्म होने के बाद मची। प्रवचन खत्म होने के बाद नारायण साकार हरि महाराज की गाड़ी जाने लगी तो लोगों की भीड़ गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ी और उसी समय भगदड़ मची और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष का सब यहां पहुंचा है। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा वो दिखाएं कि तमाम भीड़ में पोस्टमार्टम में मौजूद हूँ। यहाँ तमाम जिले के अधिकारी यहाँ मौजूद है, जिलाधिकारी, एसएसपी, सीओ, एएसपी, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। हाथरस हादसे को लेकर आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। 3 कंपनी पीएसी भी हाथरस पहुंच चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।